केंद्र सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो चुका है। सीएए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। नागरिकता संशोधन कानून की बड़ी बातें जो जाननी जरूरी है वो है 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगली है, भारतीय नागरिकों पर क्या असर होगा? तो भारतीय नागरिकों को सीएए का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता। अब आवेदन को लेकर भी बात की जाए तो आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक की रखी गई है। बाकी विदेशियों के लिए यह अवधि 11 साल से अधिक है। सीएए के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी कर लिया है। सूत्रों ने कहा है कि सीएए इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है। मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन पाकिस्तान से मिले हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 महीने में 2 बार पहले ही कह चुके थे कि सीएए लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू कर दिया जाएगा। यह देश का कानून है, इसे कोई भी लागू होने से नहीं रोक सकता। संसद ने सीएए पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगाई थी। हालांकि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है। सीएए के नोटिफिकेशन के बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पुलिस अलर्ट मोड पर है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों की पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। पुराने लखनऊ के संवेदनशील इलाकों में पुलिस पैदल गश्त कर रही है। सीनियर अफसर भारी पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर उतर चुके हैं। पुराने लखनऊ में मार्च निकाला जाएगा। सभी थानों लेवल पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि कई जगह सीएए का विरोध किया जा रहा है, वहीं कई जगह इसका जश्न भी मनाया जा रहा है। विपक्षी दलों के लोग इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण किया जा रहा है। यह ध्रुवीकरण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।